नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, मध्य प्रदेश की है, ग्वालियर की है। तारीख थी 14 अक्टूबर 2024। हुआ यूं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में सिटी सेंटर अलकापुरी में गार्डन होम्स सिटी अपार्टमेंट हैं, जहां के फ्लैट नंबर 322 से ये सूचना आई सवेरे सवेरे कोई 8 बजे के आसपास कि फ्लैट की मालकिन इंदुपुरी बुजुर्ग महिला थी, 70-72 साल की उम्र थी, और उनकी बेटी रीना भल्ला, इन दोनों की हत्या हो गई है। पुलिस डबल मर्डर, दोनों महिलाएं, ये सुनकर फौरन मौके पर पहुंची। दोनों के शव ऐसा लगता था, क्योंकि बताया गया कि सवेरे सवेरे जो मेड सुबह काम करने आती है वो करीब 8 बजे आई, दरवाजा खुला हुआ था, भीतर गई और दोनों महिलाओं को मृत अवस्था में बिस्तर पर, एक ही बेड पर पड़े हुए पाया। जो बेटी थी रीना भल्ला, वो पेट के बल यानी मुंह बिस्तर के बिस्तर पर उनका लगा हुआ था, तो लोगों को लगा कि हो सकता है कुछ खाने पीने में दिक्कत हुई हो, बेहोश हो गई हो। उन्हें फौरन उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में ये बताया गया कि ये इनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है, और अस्पताल में ही डॉक्टर ने ये हिंट किया कि संभवतः इनकी हत्या हुई है, क्योंकि चेहरे पर प्रेस यानी दबाने के, दबाव के निशान थे और ऐसा लगता था कि सफोकेट करके इन्हें मारा गया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई, लोगों से पूछताछ की, पता ये लगा कि इनका माँ बेटी का एक ग्रॉसरी स्टोर है उसी सोसाइटी के बाहर, और उस ग्रॉसरी स्टोर को शाम को ये बंद कर देती हैं, लेकिन होम डिलीवरी का काम इनका रात में 12-1 बजे तक चलता है और डिलीवरी बॉयज इनके यहाँ आते रहते हैं। ऐसे में पुलिस ने ढूंढा तो पता ये लगा कि घर के भीतर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने उसको रिट्रीव करने की कोशिश की, जिसने लगाया था उसका पता किया और फिर उसकी फुटेज रिट्रीव कर ली। उससे ये पता लगा कि दो संदिग्ध लड़के बाहर निकलते हुए उसमें दिखाई पड़े, क्योंकि एक पर्टिकुलर इलाके में वो सीसीटीवी कैमरा फोकस कर रहा था, वॉशरूम से आने जाने का रास्ता और बीच के बीच का जो कॉरिडोर है। असल में ये कैमरा छोटी जो उनकी बेटी थी जो मृत पाई गई रीना भल्ला, उसने अपनी माताजी की देखभाल के लिए लगाया था कि घर में वो अकेली रहती हैं और कई बार उनके गिरने की बात उन लोगों को समझ में आई थी और देर देर तक पड़ी रहीं, उठ नहीं पाती थी, उम्र ज़्यादा थी, तो उसको कैमरे को उस जगह लगवा के और उसका कनेक्शन अपने मोबाइल पर रख के अपनी माताजी की वेलबींग का ख्याल वो उससे रख। उसी में दो लड़कों का आना और जाना पाया गया। वो सीसीटीवी फुटेज उनके ग्रॉसरी स्टोर में करने वाले लड़कों को दिखाया गया, उसमें से एक लड़के की पहचान हो गई। लड़के का नाम इरफान था, जो पिछले कई सालों से इनके ग्रॉसरी स्टोर में काम करता था, लेकिन करीब 1.5 महीने पहले हिसाब में गड़बड़ी के कारण उसको रीना भल्ला ने नौकरी से निकाल दिया था। उसके साथ के जो लोग थे उनका उनको कोई पहचान नहीं पाया। पुलिस ने यह भी देखा कि हालांकि 4 कमरों का 4 BHK 4 कमरों बेडरूम का वो फ्लैट था, लेकिन एक ही कमरों के कुछ हिस्से में तलाशी ली गई बीच बीच में। ऐसा लगता है कि आने वाले को ये पता था कि कैश ज्वेलरी कहाँ रखी जाती है,
किधर से आना है, किधर से जाना है। दूसरा, पुलिस को कहीं भी फोर्स्ड एंट्री की के कोई सुराग नहीं मिले कि तोड़कर जबरदस्ती धक्का मारकर घर के भीतर घुसा गया हो। पुलिस के सामने ये समस्या थी कि आखिर ये कितने बजे की बात होगी, यानी ये मृत्यु या ये हत्या या ये घटना कितने बजे हुई है, तभी वो सीसीटीवी की फुटेज से उसका मिलान कर पाती। तो ये पता लग गया कि सोमवार को यानी 14 अक्टूबर 2024 को रात 9:20 से 10:30 के बीच ये घटना हुई होगी, क्योंकि रीना भल्ला के यहाँ रात को दो हाउसमेट आती थी। एक साफ सफाई करती थी, पूरे घर में साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन ये सब करती थी, और एक और रोटियां बनाकर वो उसमें रख हॉट केस में रख के चली जाती थी, और दूसरी मेट सब्जी या दाल या जो कुछ भी साथ में बनना होता था, जो उसे बताया जाता था, वो बनाकर रख कर चली जाती थी। पुलिस को वहां सिर्फ कैशोल में सिर्फ रोटी मिली, वो सब्जी नहीं मिली। इसका मतलब कि या तो जिस समय वो आई होगी रात में, घर का दरवाजा भीतर से बंद होगा, या वो आई ही नहीं होगी। तो ये साफ हो गया कि ये घटना 9:20 से और 10:30 के बीच में हुई है। ये भी तय हो गया कि जो भी भीतर आया था, जिन लोगों ने इनकी हत्या की है, वो उन्हें घर की रैकी करने की जरूरत नहीं थी, वो घर से पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ थे, और उनको जहां तलाशी लेनी थी, जहां उनको सामान, उनको पता था कि सामान और कैश कहां रहता है, वहीं उन्होंने हाथ लगाया और सब कुछ ले गए। पुलिस के हिसाब से घटना के समय दोनों महिलाएं बेड पर थीं। वहां हमलावर पहुंच गए। महिलाओं ने उनके इरादे भांप कर विरोध जताना चाहा होगा, ऐसा पुलिस का मानना है। इतने में एक हमलावर ने 72 साल की इंदु पुरी को दबोच लिया। दो हमलावरों ने रीना को पकड़कर पेट के बल लिटाकर सिर को कसकर दबाया होगा। बेड पर गद्दे में ही नाक और मुंह दबने से, दम घुटने से उनकी मौत हो गई होगी, पुलिस का ऐसा मानना है, क्योंकि सुबह एक हाउसमेट के पहुंचने पर परिजनों ने डॉक्टर को बुलवाया था, रीना को सीधा करके चेक किया था तो मुंह में ही उसके अपने ही बाल भरे हुए थे और चेहरा काला पड़ा हुआ था। अब पुलिस ने इन सारे चीजों को, इन सारी सूचनाओं को, कि मेड पहली वाली कितने बजे आती है, दूसरी वाली कितने बजे आती है, सुबह वाली कितने बजे आती है, और सीसीटीवी फुटेज, इन सब को जोड़ घटा के घटना का समय 9:20 से 10:30 के बीच में बताया, और इसी में 30 सेकंड के भीतर फुटेज में दो लड़के अंदर जाते हुए दिखे, और फिर उन्हीं में से एक की पहचान इरफान के रूप में हो गई। मैंने पहले ही बताया कि रीना ने बुजुर्ग माँ के लिए घर में एक सिंगल सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। उम्र ज्यादा होने के नाते उनकी माँ अक्सर में आते जाते हुए गिर पड़ती थी। इस कैमरे का एक्सेस सिर्फ रीना के मोबाइल में था और इसी के जरिए वे बुजुर्ग माँ का ख्याल रखती थी। घटना के बाद जब पुलिस पहुंची है तो ये कैमरा टूटा हुआ और बंद मिला है, यानी हमलावरों को इस कैमरे की भी जानकारी थी, क्योंकि सिर्फ जाते हुए 30 सेकंड का एक फुटेज है जिनमें वो दोनों दिखते हैं, उसके बाद का कोई फुटेज वहां पर नहीं मिला था। आसपास की टाउनशिप और इलाकों में इन्हीं के यहां से ग्रॉसरी डिलीवरी की जाती थी, इनकी ग्रॉसरी शॉप थी। शॉप को वो शाम को जल्दी बंद कर देती थी, लेकिन घर से होम डिलीवरी किया करती थी, और इसी वजह से उनके फ्लैट के दरवाजे दिन भर खुले रहते थे। दिन में भी दुकान में काम करने वाले लड़के आते जाते थे और रात में होम डिलीवरी करने वाले लड़के आते जाते थे। दुकान पर भी तीन लड़के काम करते थे, एक बहुत छोटा था जबकि दो बड़े थे, और घर में दो हाउसमेट भी काम करती थी, जैसा मैंने आपको बता दिया था। इंदुपुरी की दो बेटियां थीं, एक बेटी रीना भल्ला
और दूसरी डॉली। डॉली पास में ही रहती थी। रीना की एक बेटी है, शादी के बाद वो दिल्ली में रहती है। दिल्ली में रहने वाली बेटी के कुछ समय पहले ही जुड़वा बच्चे उसने उस जुड़िया बच्चों को जन्म दिया था और रीना कुछ समय के लिए अपनी बेटी के इन जुड़वा बच्चों के होने पर दिल्ली गई थी और उसके बाद ग्वालियर वापस लौट आई थी। घटना की सूचना उनकी बेटी दामाद को भी दी गई और वो लोग मंगलवार यानी 15 अक्टूबर को वापस आ गए ग्वालियर। और उनके आने के बाद ही इन उनकी माँ इंदुपुरी का अंतिम संस्कार किया गया। आज की घटना देखिए, एक तो अच्छे और भरोसेमंद काम करने वालों का मिलना बहुत मुश्किल है और आज के जमाने में जब सारा सारी दुकानदारी डिलीवरी बॉयज के जरिए हो रही है, ब्लिंकिट में आप ऑर्डर करिए 10 मिनट में कोई ना कोई आपके दरवाजे पर वो सामान पहुंचा देगा। इलाका बड़ा है तो आप समझ सकते हैं 15-20 लड़के ब्लिंकिट वालों का सामान यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे होंगे। जोमेटो है, स्विगी है, इन सब जहाँ जहाँ से इनको सामान लेना होता है उस ब्रांड की मोटरसाइकिल पर 10-10, 20-20 लड़के आपको खड़े हुए मिलेंगे। जहाँ का ऑर्डर मिला वो पता लगा इस इलाके का ये लड़का है, उसको बता दिया जाता है, सामान दे दिया जाता है, उसको एक कोड दिया जाता है, उसको एक स्लिप दी जाती है और फिर वो अपने गंतव्य को रवाना हो जाता है। तो ये लड़के ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ी प्रोसेस के बाद छांट के लाए जाते हैं। और लड़के भी बेरोजगार आजकल बहुत ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ये लगता है कि अगर वो दिन भर में 10 डिलीवरी पर डिलीवरी के हिसाब से इन्हें पैसा मिलता है, अगर किसी ने एक दिन में 50-60-70 डिलीवरी कर ली तो उसका दिन बन गया, उसे पर्याप्त पैसे मिल जाते हैं। ज़्यादा मेहनत करने पर उन्हें और पैसे मिलते हैं और कुछ इसका बोनस या इंक्रीमेंट भी उन्हें दिया जाता है ज़्यादा काम करने का। लेकिन बैकग्राउंड चेक इनका हमें नहीं लगता किसी का होता होगा, एक दो का हो सकता है जिस पे कभी मालिकान को शक हो या उस इंस्टीट्यूशन को शक हो तो वो उनकी बैकग्राउंड चेकिंग करा ले, वरना चेकिंग वेकिंग इनकी होती नहीं है। तो इस हिसाब से आदमी उनके काम को और उनके परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें कंटिन्यू कराता है और ये मान के चलता है कि आदमी ईमानदार है, सही है और मेहनत से काम करता है। कुछ दिन काम करने के बाद जब उनको लगता है कि अब मालिक है या जो इंस्टीट्यूट है या जो फर्म है या जो डिलीवरी शॉप है उनका यकीन उन पर बढ़ने लगा है तो वो धीरे धीरे उसी सिस्टम में छेद करना शुरू करते हैं। और जब उनको उस व्यापार की अच्छी जानकारी हो जाती है, व्यापारी की अच्छी जानकारी हो जाती है, तो उनकी लालच धीरे धीरे ऊपर की तरफ आती है। और जब ये नोटिस किया जाता है या जब तक ये पता लगता है कि इसने ऐसा किया है, ज़्यादातर मालिकान चूँकि बाकी उसका जो बाकी आदमी हैं वो आसानी से उपलब्ध हैं, उन्हें निकाल बाहर करते हैं। लेकिन जो निकाले जाते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रतिशोध की भावना बनी रहती है। वो अपने प्रतिशोध को भुना पाएँ या न भुना पाएँ, नहीं भुना पाते तो चौराहे चौराहे खड़े होकर गाली देते हैं और अगर भुना पाए तो कोशिश करते हैं कि किस तरह मालिक का नुकसान किया जाए। और इसी सिद्धांत के तहत या इसी सोच के तहत इरफान ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये घटना कर डाली और अपनी मालिकनों को, दोनों मालिकनों को उठा दिया, मौत की नींद में सुला दिया। इरफान दरअसल गोहद का रहने वाला था और करीब 6-7 साल से रीना के ग्रॉसरी स्टोर में काम कर चुका था। उसको जब निकाल दिया गया तो वो फिर एकदम अचानक सड़क पर आ गया और इस बात से बहुत क्रोधित हुआ कि इतने दिनों की सेवा के बाद मुझे निकाला गया, मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि मैं चोरी करता हूँ। उसने अपने दोस्त अंकुल झा से इस सिलसिले में बात की और उसने कहा कि मैं चाहे भूखों मर जाऊं मैं बदला जरूर लूंगा इन लोगों से, बहुत पैसा कमा के रखा है, गरीबों का खून चूसा है, हम लोगों का खून चूसा है, इस तरह की बातें बहुत सामान्य है, कोई नई बात नहीं है। अंकुल ने
हैदराबाद में काम करने वाले अपने दोस्तों का, वो जगह जगह जहां डिलीवरी बॉयज की कमी होती है, एक पूल बना हुआ है हर शहर में, वहां से जो साल भर काम कर चुके हों, 6 महीने काम कर चुके हों, उनको भेज देते हैं। तो यहीं से गए हुए हैदराबाद में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले प्रमोद माथुर और छोटू राणा को अंकुल झा ने बुला लिया। उनको बुलाया और कई दिन वो इरफान के साथ रहे। चारों ग्वालियर बस स्टैंड पर मिले और फिर शाम को 6-7 बजे मिले। वहीं से वो गार्डन होम्स के उस फ्लैट में पहुंच गए। सबसे पहले इरफान भीतर घुसा, बाकी आरोपी भी अंदर आ गए। पहले एक ने इंदूपुरी का मुंह दबाया। थोड़ी देर में ही इंदूपुरी बुजुर्ग थी, तबीयत खराब थी, रेजिस्टेंस नहीं था, थोड़ी देर में ही वो बेहोश हो गई या मर गई। और वो जद्दोजहद चल ही रही थी, इसी बीच में रीना घर पहुंच गई। इरफान ने और उसके साथ के 2 लोगों ने मिलकर उसका मुंह दबाया। मुंह दबा के उसी बिस्तर पर उल्टे मुंह पटक दिया, उसके मुंह को बिस्तर के अगेंस्ट दबाए रखा। थोड़ी देर में उसकी भी मृत्यु हो गई। तो मैंने ये कहा कि एक तो सही लोगों का मिलना मुश्किल है, और अगर आप उनकी किसी गड़बड़ी पे उनको निकाल दें तो वो आपसे बदला लेने की फिराक में बने रहते हैं। महिलाओं ने भी थोड़ी सी गलती की कि व्यापार के सिलसिले में कुछ ज़्यादा ही लापरवाही की। घर का दरवाज़ा लगभग हर समय खुला रहता था, ऐसा पड़ोसियों ने भी बताया, आने जाने वालों ने बताया, ग्राहकों ने बताया और ग्रॉसरी स्टोर पे काम करने वाले 3 और नौकरों ने बताया, क्योंकि हाउस डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉयज आया जाया करते थे। माँ की देखभाल के लिए तो उन्होंने एक सिंगल कैमरा घर के भीतर लगवा रखा था। अगर एक कैमरा स्टोर में और एक ग्रॉसरी स्टोर और घर के बाहर की तरफ वाले इलाके में लगाया होता तो व्यापार सब वो फ़ोन पर ही होता है जब डिलीवरी वाला होता है, तो वो तीनों सीसीटीवी की मदद से आराम से अपने काम पर भी नज़र रख सकती थी और उनकी सुरक्षा भी बनी रहती और फिर 24 घंटे दरवाज़ा खुले रहने की ज़रूरत ना पड़ती। देखिए, आजकल इतने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स सस्ते दामों पर मिलते हैं, वो सब सिम बेस्ड कैमरा हैं। आप किसी भी बड़े शहर के, और दिल्ली में तो बड़ी बड़ी मार्केट्स इसी की हैं, 800 में, 1000 में, 2000 में, 5000 में सिम बेस्ड कैमरे आपको मिल जाएंगे। लगा लीजिए, उसकी कनेक्टिविटी आपके मोबाइल फ़ोन से हो जाएगी। आप यहाँ रहें या 100 किलोमीटर दूर रहें, आप अपने घर में या दुकान में होने वाली हर हरकत को अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं। देखिए, पहले का ज़माना था कि जब पूरा का पूरा परिवार शादी के लिए कहीं चला जाता था, हो सकता है 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर ही गया है तो 2 दिन बाद वापस आएगा, तो उसके घर में 2 दिन से पड़े हुए बाहर के अखबार, 2 दिन से लौटने वाला दूध वाला, सब्जी की पुकार लगाने वाला ठेली वाला, सबको पता हो जाता था कि ये 2 दिन से घर पर नहीं है। और रात में ताला टूटता था और पूरा घर खाली हो जाता था। जब वापस शादी ब्याह से लोग आते थे तो सिर पीट कर बैठ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दूसरे दूसरे प्रदेशों में कई कई दिन तक त्योहारों में या शादी में लोग चले जाते हैं, घर में हर कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है, बाहर गेट पर लगा हुआ है, एंट्री पर लगा हुआ है, और इन सारे सीसीटीवी की फुटेज उसको सीधे मोबाइल पर, क्योंकि सिम बेस्ड हैं, मोबाइल पर मिल रही है और वो उनको उसी से मॉनिटर करता है कि उसके यहाँ कौन आया, कौन गया, कौन सुरक्षा के लिए खतरा है। अभी पिछले 3-4 महीने पहले एक घटना हुई थी कि कानपुर से पूरा परिवार अमेरिका गया, घर में ताला बंद हो गया, लेकिन उन्होंने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे घर के भीतर सब लगा रखे, अल्टरनेट बिजली की सप्लाई के रास्ते के साधन भी उसमें उपलब्ध कर रखे थे कि अगर बिजली चली गई हो तो इन्वर्टर से कौन कौन से चलेंगे, और अगर बिजली आ रही है तो 2 फेज या 3 फेज में कौन कौन से कैमरे चलेंगे। तो अमेरिका में ही उन्हें रात में 11:30-12 बजे 3-4 चोर जो उनके घर में ताला तोड़कर आरी से काट कर घुस रहे थे, वो उन्होंने अपनी स्क्रीन पर देख लिया। पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया अमेरिका से ही, और पाँच या छः चोर थे, जब वो घर के भीतर थे तभी पुलिस ने बाहर से उनको घेर लिया और सभी चोर रंगे हाथों पकड़े गए। पहले ये संभव नहीं था,
तो आजकल सिक्योरिटी अपरेटस में इतने प्रकार हैं, इतनी इतनी वैरायटी हैं और सस्ते हैं कि हर कोई आदमी इनका इस्तेमाल कर सकता है। तो अपना, अपनों का और अपने घर का ख्याल रखिए, सुरक्षा को सर्वोपरि मानकर चलिए और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करिए ताकि आप सुरक्षित रहें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।